नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं ब्लॉग आपको दिखाने वाला हूँ, बेसिकली इस ब्लॉग में मैं आज गुड़गांव जाऊंगा और अपने सिस्टर को देखूंगा। मेरी सिस्टर का तबीयत खराब है, माई रियल सिस्टर हनी, तो उसको देखने के लिए मुझे जाना है। तो आज मेरी जो पूरी रूट टाइमिंग है, कैसे मैं जाऊंगा, क्या करूंगा, ये सारी चीजें आप इस ब्लॉग में देखेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। मैं जा रहा हूँ हनी से मिलने, तो अभी रिक्शा पकड़ लिया, मौजपुर मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ। तबीयत खराब हो गई है तो अभी निकलना पड़ रहा है मुझे फटाफट। सबसे बड़ी समस्या है भाई, फुटकर नहीं मिलता है, चेंज। अब रिक्शा वाला चेंज लेने गया हुआ है, चेंज लेके आएगा तो उसके बाद फिर भाई गाड़ी आगे बढ़ेगी। मेट्रो स्टेशन आ गया, मेट्रो पे चढ़ूंगा और निकलूंगा। आ गए मेट्रो स्टेशन पे दोस्तों, बस मेट्रो पकड़नी है गुड़गांव के लिए और फिर निकल चलना है। तो भाई गुड़गांव आ गए हम सिकंदरपुर, अब जा रहे हैं हम फेज 3 की तरफ, फेज 3। यहाँ से कितना किलोमीटर है? 6-7। तो यहाँ से 6-7 किलोमीटर है जो कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और क्योंकि मेट्रो से रैपिड मेट्रो से जाना मुझे सही नहीं लगा, तो जो ऑटो ही ले लेते हैं। तो हम लोग ऑटो से निकल रहे हैं, मैं ऑटो से निकल रहा हूँ। आ गए हम। अच्छा, हनी के पास। हेलो पर हम बीमार है, इसका तबीयत खराब है। देखो हाँ। निकी है, देखो अवनी। हाँ। तो अभी हम लोग थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तब तक बने रही मिलते हैं आपसे। भाई ये है आपका सेब, अनार, अंगूर। अंगूर देखो, दबा तो नहीं? सही है, बिल्कुल सही। हनी मेरी छोटी बहन है और सबसे नटखट है। और कितने दिन बाद आ रहे हैं तुमसे मिलने? हमको तो लग रहा है आपका रही है अलोंग ये। अच्छा, आंख मेरे खुल क्यों नहीं रहा है? मैं क्योंकि आप सो हुए थे। अच्छा, एकदम नींद में? बिल्कुल एकदम। और कुछ बचा उसमें? सब निकल गया ना? सबसे आगे वाले में देखना कुछ है? लेफ्ट तुम्हारा चार्जर। अरे लेफ्ट में देखा हो? ठीक है, मेरा चॉकलेट। चॉकलेट दिखाइए। ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी की याद आ गई बिल्कुल एकदम। क्या है भैया, हम मम्मी की तरह है क्या? भैया मम्मी का ही बेटा है। टू कॉपी एकदम फुल पूरे। हमको तो तुम लगती हो टू कॉपी। मम्मी के बस फील आ गया कि मम्मी से मिल लिए। अच्छा, मम्मी से मिल। मम्मी भी मिलना चाह रही थी पर कोई नहीं, भैया से मिल लिए, मम्मी की याद आ गई फुल एकदम, घर वाला। तो मम्मी तुम्हारी ये वीडियो देख रही है, मम्मी को क्या बोलती हो? मम्मी को यही बोलेंगे तुम्हारा बेटा आ गया, ठीक है, अब तुम खुश रहना। जाने दोगे कि नहीं इनके बेटा को? बेटा को जाने दे कि नहीं दे अब वो तुम बताना हमको, भेज दे। ठीक है, अवनी भी है ना वहाँ पे? ठीक है, अवनी को और निक्की के लिए। अवनी तो हमारी जान है, बाबू है हमारी, उससे नहीं मिल पाते हैं हम यहाँ रह के भी। हाँ। मिल लेंगे उससे, जल्दी ही आऊंगा मैं। और भाभी को प्रणाम, हमारी खुश रहे, वैलेंटाइन वीक मनाए, और हमारे भैया नहीं मनाए तो हमें बताएं, ठीक है। बाकी तो हम ठीक है। फिलहाल तो हम तो गोरा पैदा हुए थे ना, तुम ही काली पैदा हुई थी। ठीक है, तुम और तुम्हारी मम्मी गोरे हैं तो क्या। अच्छा। मेरे पापा सामने, ठीक है ठीक है। अब मम्मी बार बार कॉल करके वेरीफाई कर रही है कि हम पहुंच गए हैं के लिए, तो मम्मी से बात चल रही है। YouTube का वीडियो बना रहा है। किसका फोन आया है?
मम्मी का फोन आया, बहुत परेशान कर रही है। कंफर्मेशन ले रही है कि हाँ पहुंचा कि नहीं। हाँ कंफर्मेशन ले रही है कि बेटा मेरा पहुंच गया कि नहीं। हाँ, बहुत देर से भूख लगी थी, लंच साथ में निक्की ने दे दिया था, तो हम और हनी खा रहे हैं। हनी ड्राई फ्रूट खा रही है वैसे, और मैं खा रहा हूँ रोटी सब्जी। बाहर का चीज खाने की वजह से ही हनी की तबीयत खराब हुई है। बाहर की चीज अवॉइड कीजिए, खाना बस। तो गाइस मैं हनी के लिए चाय बना रहा हूँ। क्या नहीं, मेरे हाथ के चाय पी रहा है, बना रहा है बहुत दिनों बाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा खराब भी लग रहा है। क्या हम नहीं बना पा रहे हैं? नहीं तुम बैठो, मैं चाय बना रहा हूँ। हम लोग छोटे थे तो कुछ भी होता था, कोई भी ओकेशन होता था, मैच होता था, मूड खराब होता था, खुश रहते थे, हनी चाय बनाओ, बेचारी आती थी फटाक से चाय लेकर आती थी, हनी चाय बनाओ। एक बार भी ये नहीं बोलती थी कि भैया अभी तो पियो, फिर चाय चाय। हम लोगों को कम से कम 8-10-15 बार चाय हो जाता था, और हमें तो आदत ही है बचपन से। हाँ तो इसको भी आदत हो गया धीरे धीरे। भैया ही मेरा बनाता है, भैया के घर जाओ मिलो तो उठने ही नहीं देता, खुद ही काम करता है, यहाँ भी खुद ही काम कर रहा है। हाँ तो अभी भी हम चाय पिला के हनी को चाय बन रहा है, पुरानी यादें ताजा करता हूँ। चाय पे चर्चा होगी, चाय पे चर्चा बने रही है। तो इस चाय बन गया, अब हम और हनी चाय पीने जा रहे हैं 1 साल के बाद। 1 साल से ज्यादा ही हो गया होगा हमें लगता है। हाँ 1 साल से ज्यादा हो गया। हाँ। आप लोग कह रहे कि तुम थे कहाँ पे इतने दिन से, अगले ब्लॉग में बताएंगे। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ, और ये दो नए फ्रेंड्स आए हैं, एक आयुष है और आपका नाम अरमान। अरमान तो हनी फिर मिलेंगे जल्दी, ठीक है? हाँ रोने का नहीं। मिलते जल्दी। आ जाऊंगा सुन। बाय बाय, ओके सी यू सुन। ये गुड़गांव है मेरी जान, ये वीडियो गाइज। अब मैं आ गया फाइनली गुड़गांव से हनी को देख के, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। सालों के बाद हनी से मिला और चाय पिलाया, उसके साथ बातें की, अच्छा फील हुआ। रक्षाबंधन पे भी नहीं जा पाया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, बट इस बार तबीयत ख़राब था तो इस बार जाना बनता था तो मैं गया। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको टच किया ये वीडियो, तो इसके लिए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, इसी तरीके से हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।